सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और क्या है मामला, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नवनीत रैना है, मैं वाइज मॉन्ग प्राइवेट एंटरटेनमेंट लिमिटेड का स्पोक पर्सन हूँ। तो ये मामला जो है आज का, वो इस वजह से है क्योंकि हमारी कंपनी ने काशी अमरनाथ का डिस्ट्रीब्यूशन मधु चोपड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की जो मदर है, उनके साथ किया था। एज शी इज ऑल्सो ए डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट चलाती है, फिल्में बनाती है। तो ये सारा मैटर हमारा इस वजह से हुआ कि उन्होंने हमारे पे अप्रोच किया कंपनी पे कि आप मेरी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका अमाउंट उन्होंने हमसे ओवरऑल 48 लाख का किया था, जिसमें से कि हमने 8 लाख रुपए उन्हें दे दिए थे। और उसके बाद हमने उनको बोला था कि जो बाकी का पेमेंट है वो हम आपका तब करेंगे जब आपकी हमारे पास अपनी फिल्म भेजेंगे, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट एंड देन वी विल गिव यू, ठीक है। तो इस बीच में अब क्या हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हमारा चल रहा था, अचानक से हमें पता लगा कि वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गए, जबकि एक बार में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील होता है। तो जब हमें ये चीज़ पता लगी तो हमने वहीं पे उनको बोला कि हमको आपके साथ काम नहीं करना है। मधु चोपड़ा जी को बोला गया कि भाई हम लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, आप एक काम कर दीजिए, आप हमारा पेमेंट जो है वो वापस कर दीजिए, बिकॉज आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँच गए हैं। तो उन्होंने वहाँ से हमें मना कर दिया, हमने बोला आप क्लियर कट हमारे को हमारा जो पेमेंट है वो वापस कर दीजिए। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि उनकी तरफ से लीगल, हमारे लॉयर को, कंपनी के लॉयर को हमने बोला कि आप एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा, उन्हें वो लीगल नोटिस भेजने के बाद हमें कोई उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर हमारे पास एक मेल आता है, उस मेल में लिखा गया है कि आप हमसे 5 लाख रुपये ले लीजिए और 3 लाख हम आपके डिडक्ट कर रहे हैं। भाई आप 3 लाख किस चीज़ के डिडक्ट कर रहे हैं, जब हमने आपको 8 लाख भेजे हैं तो आप हमें 8 लाख दे दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने वो मेल का रिप्लाई किया ना, हमसे कोई उस बारे में बात की, और जो एग्रीमेंट किया हम लोगों का, इनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था काशी अमरनाथ को लेके। इसमें मधु चोपड़ा के साथ उनकी एक और पार्टनर है, वो भी बीच में थी, उनका साइन भी है, उनका सब कुछ है। उसके बाद एग्रीमेंट में सिर्फ मधु जी ने अपना सिग्नेचर नहीं दिया, तो उनकी कंपनी की तरफ से हमारे पास आया एक ईमेल की, जिसमें हमने पूछा कि भाई इनका एग्रीमेंट जो है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमको दे दीजिए मधु जी का साइन किया हुआ। तो उन्होंने मेल हमें भेजा है, मेल में लिखा गया है कि मधु जी अभी आउट ऑफ टाउन है, जैसे भी वो आएंगी तो हम आपको उनका सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट दे देंगे। अब यहाँ पर होते 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 काफ़ी टाइम हो गया, हम भी वेट करते रहे कि चलो शायद कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोई उनकी तरफ से कुछ आएगा, बट जब ज़्यादा बहुत कुछ हो गया तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस बची नहीं। तो फिर मैंने सादिक मेमोरियल सोसाइटी, जो एक एनजीओ है, उनको अप्रोच किया। तो मैंने उनके साथ ये चीज़ अपनी बताई कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने जो रिफत जी हैं उनसे कंसल्ट किया कि कैसे किया जाए। तो फिर इन्होंने हमारी मदद की और इन्होंने हमें बताया कि आगे का प्रोसीजर हमें कैसे करना चाहिए। तो आप रिफत जी से पूछ सकते हैं, रिफत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे, कैसे आपको? बिल्कुल, ये तो एकदम आश्चर्य वाली बात है, छोटा आदमी ऐसा काम करे जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो तो समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म स्टार की माँ, पर्पल पेबल्स की वन ऑफ द डायरेक्टर्स मधु चोपड़ा ऐसा करेगी, चेक का वो बेचती है कॉपी, खुद का साइन किया हुआ, जो कि मेरे पास उन्होंने फर्निश किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ें बेच के वो आप वो पेमेंट नहीं भेज रही है, तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन शी इज़ डूइंग इंटेंशनल चीटिंग विद द क्लाइंट। ये देखिए, मधु चोपड़ा का साइन भी है इसमें, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, तो ये इंटेंशनल चीटिंग हुई, सब हुआ प्रॉपर व्हाट्सएप के, ये चीजें हैं मेरे पास, चैट है हमारे पास, चैट है व्हाट्सएप के, ये देखिए जिसमें वो बोल रही है यू आर बीइंग नाइव, विल सेटल इट फॉर 5 लाख्स, ये सब कुछ। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बड़ी हस्ती 5 लाख रुपया देने में ये कर रही है। आप देख लीजिए, जिनकी बेटी खुद आप अच्छे से जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा हमारी बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, उनकी बेटी जो पर डे करोड़ों में कमाती हैं, और उन्हीं की मदर अगर ऐसी हरकत कर जाएं जो कि हमारे विश्वास के बाहर है कि ऐसा कर सकते हैं, इतने बड़े लोग भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। आप लोगों ने और इतना लेट क्यों हुआ ये आपको प्रोसीजर करने के लिए?
जी, ये लगभग एक साल के ऊपर ऊपर की बात है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो और भी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो हमने अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस इनको भेज दिया था, जबकि लीगल नोटिस का जो रिप्लाई है वो 15 दिन के अंदर कर देना चाहिए। हमने इनकी कंपनी को भेजा, हमने प्रियंका चोपड़ा जी की कंपनी को भेजा, हमने जितने उनकी जो पार्टनर है उनकी कंपनी को भी भेजा, हमने हर इनके जितने जितने लिंक्स हैं हमने हर एक पे लीगल नोटिस भेजा है, मगर हमारे को किसी भी कंपनी का किसी भी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हम वेट करते रहे कि शायद थोड़े टाइम बाद कोई नोटिस आए, कुछ आए, मगर कुछ नहीं हो रहा था। फिर हमारे पास जब चेक आया, जो कि जिसके अंदर उन्होंने अमाउंट मेंशन नहीं किया है, अपना साइन किया हुआ है, वो भी चेक उन्होंने हमारे को मेल के थ्रू भेजा, जो कि सामने एक चीटिंग का बता रहे हैं, आप अपना साइन किया हुआ हमें या तो चेक दे दीजिए, और 3 लाख रुपए की बात आप डिडक्ट करने की कर रहे हैं, वो किस चीज़ की कर रहे हैं? हमने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, आप ही दूसरी कंपनी के पास चले गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जाके बोलते हैं कि भाई मेरे को आपके साथ फिल्म करनी है, तो आपने हमारे से पैसे क्यों लिए? ये सोचने वाली बात है कि अगर आपको दूसरे के साथ काम करना है तो आप हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट प्रॉपर जो कि आपके सामने है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट लेके हम बैठे हैं, ये प्रॉपर एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? हम तो आपको डायरेक्ट यही बोलना चाहते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे अभी तक कि हमारा जो पैसा है वो आप हमें रिटर्न कर दीजिए। इसके अलावा हम तो छोटे लोग हैं, वो तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोगों के बीच में हमारी तो कोई औकात नहीं है, तो हमको इस करके रिफत जी के पास आना पड़ा, एक एनजीओ का बोलना पड़ा कि एक एनजीओ के थ्रू शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। लीगल नोटिस के अलावा और कौन सी आपने कार्रवाई की है, या प्रशासन शासन प्रशासन या चौकी में एफआईआर एनसी इस प्रकार का कोई कार्रवाई आपने की होगी? जी, हमारा एनजीओ इनकी हेल्प कर रहा है अभी, जबकि कुछ ही दिन पहले मेरे एनजीओ में मैटर आया। हम भी अपनी ड्यू डिलीजेंस करते हैं, जब हमको लगता है मैटर जेन्युइन है तब हम आगे आते हैं। तो ये अभी जुहू पुलिस स्टेशन में हमारा एनजीओ का वकील कंप्लेंट करने जाएगा कल, तो हमने इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि आपको भी अपडेट हो जाए कि जुहू पुलिस चौकी में कल हम कंप्लेंट क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ पर्पल पेबल एंड अदर जो उनके पार्टनर्स के खिलाफ हम कंप्लेंट डालने वाले हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम ज़रूर करेंगे, पहल तो हम कर ही रहे हैं। पूरे मामले में प्रियंका चोपड़ा या उनकी मां मधु चोपड़ा से आप लोगों ने कुछ फोन पर बात की? सिर्फ जो जिनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी सत्यम शिवम की व्हाट्सएप के द्वारा बात हुई है, बाकी वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ना लीजिए आप। अच्छा, ये तो टर्न कर उसी को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट। हां, फिर लास्ट पेज भी बताना पड़ेगा। हां, वो टर्न करेंगे, बोलेंगे नाउ नेक्स्ट। एक मिनट, ये लास्ट पेज पे आप प्लीज जूम कीजिए। वो बता, ये देखिए, ये सब डायरेक्टरों का साइन है, सिर्फ यहाँ पे मधु चोपड़ा का साइन मिसिंग है। ये देख लीजिए, ये उनकी पार्टनर का साइन है बराबर, रोज कॉर्ड्स एंटरटेनमेंट के नाम से है, जो दूसरा उनका पार्टनर, जो उनकी पार्टनर थी, उन्होंने बराबर अपना सिग्नेचर कर दिया है। ये हमारे कंपनी के जो सीईओ है वो सत्यम शिवम जी का उनका भी किया हुआ साइन है। ये देख लीजिए, मधु चोपड़ा जी के इसमें इन्होंने साइन नहीं किया। वकील का ईमेल आया हुआ है जी, वो हम दिखा देते हैं उनका, ये हो जाएगा इनकॉर्पोरेट पहला पेज। हाँ, ये उनके वकील का ईमेल है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेयर सत्यम, एज पर एज अ रिक्वायरमेंट PFA, herewith scanned copy of partial signed agreement today, you will be couriered you the fully signed copy as soon as we get Madhu ma'am signature on that. और आप नीचे देख सकते हैं, ये उनके वकील ने भेजा है, पर्पल पेबल पिक्चर्स के नाम से पूरा मेल आया है, ये आप चेक कर सकते हैं, निखिल शाह। हम आपको चेक दिखा देते हैं, ये एक मिनट, ये आप व्हाट्सएप तक वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये चेक है जो वाइज मॉन्ग, हाँ ये चेक है, 5 लाख अमाउंट अबव 5 लाख, नॉट अबव 5 लाख लिखा है, सिर्फ इनके कंपनी का है,
डेट नहीं है, अमाउंट नहीं इधर भरा है। और सबसे बड़ी चीज, आप मधु चोपड़ा जी का साइन देख लीजिए, ये चेक भी नहीं हमें दिया गया है, ये सिर्फ हमारे को ईमेल करके भेजा गया है चेक। हम आपका व्हाट्सएप का चैट दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, पहले नंबर देख लीजिए, ये मधु चोपड़ा जी का नंबर है और अब हम आपको दिखाते हैं इनका जो चैट हुआ था सत्यम जी के साथ।